खबर दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के की है, जहां चोरों का आतंक है। जहां रूपसपुर थाना क्षेत्र के वरुण कॉलोनी गोला रोड में पशु एवं मत्स्य विभाग से रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद के घर चोरों ने अहले सुबह ही घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और चोरी की यह घटना को अंजाम दिया है। लगभग 10 लाख के गहने चोरों ने चोरी कर लिया है। यह घटना तब हुई जब दुर्गा प्रसाद सुबह तकरीबन 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और जब वह घर लौटे तो उनके घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे, दरवाजे टूटे हुए थे। घर के अंदर हर वो कमरा खंगाला गया था जहां कीमती सामान रखे हुए थे। घटना की जानकारी के बाद रूपसपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की, लेकिन चोरों का कहीं अता पता नहीं चला। सुबह की ये चोरी मोहल्ले वालों के लिए भी चोरी लग रही है। अभय कुमार की रिपोर्ट। ये मेरा नाम राजेश शर्मा हुआ, मैं यहाँ जहाँ आप खड़े हैं वार्ड 33 यहाँ का पार्षद हूँ। आज सुबह सुबह मैं भी मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो पता चला कि एक चोरी की घटना हो गई। तो ये चोरी की घटना जो है ये हमारे वार्ड में आज एक सप्ताह के भीतर ये तीसरी घटना है। इससे पहले जनकपुरी रोड नंबर 2 में हुआ, कल रोड नंबर 7 की घटना हुई तो वहाँ भी ऐसे ही था कि लोग नहीं थे लेकिन ये तो रह रहे थे। कल ही मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि देखिए चोरी की घटनाएं कुछ बढ़ गई हैं, लगता है कोई गैंग सक्रिय है, तो आप लोग कृपया मैंने कोशिश करें कि घर में कोई ना कोई रहे। तो ये तो रह रहे थे लेकिन सुबह 5:15 बजे ये मॉर्निंग वॉक में निकले हैं और 1.5-2 घंटे के अंदर ही आ गए हैं। उसी बीच की ये घटना है तो लोगों में आक्रोश है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो भाई 1-2 घंटे के लिए हम घर से निकले और उसी में चोरी हो जाए। क्या पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती क्या? पेट्रोलिंग तो गली में तो हमको तो नहीं ही दिखता है, निश्चित रूप से कहीं नहीं दिखता है। CCTV लगा है उसमें तो आपने देखा जा सकता है कितनी पेट्रोलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। कितने की चोरी होगी, कितने यहाँ चोरी हुई? आज तो ये अपने दुर्गा बाबू के यहाँ हुई है, इससे पहले अशोक झा के यहाँ हुआ था और उससे पहले सतीश चंद्र ओझा के यहाँ हुआ था। मैंने एक सप्ताह के अंदर ये तीसरी घटना है। तो आज जो तीसरी घटना हुई तो हम लोग को भी थोड़ा सा लगा कि भाई मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है कि भाई लगातार चोरी की घटना हो रही है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ? राजेश शर्मा। सुबह में आज हम 5:15 बजे घूमने निकले हैं, 5:15 बजे घूमने निकले हैं, लौट के आए हैं तो ये देख रहे हैं पीछे से दरवाज़ा तोड़ के घुसा है। सारा घर खोल के देखा है, अंतिम वाले रूम में गहना रखा हुआ था करीब 10 लाख का, सब भाग ले गया और कैश भी। कैश तो नहीं ले गया है इसलिए अलमीरा नहीं तोड़ पाया है, वो चाबी मेरे पास था। अब और हम नहीं कर सकते हैं, उसका अलमीरा में क्या रखा हुआ था नहीं रखा तो बड़ा किसको याद रहता है, लेकिन जहाँ तक मोटा तोड़ पर 10 लाख का गहना ले गया उस अलमीरा में रखा हुआ था। कितने बजे की घटना है? हम 5:15 में घूमने निकले और हम 7:10 में घर के अंदर आ गए, सब देखे टूटा हुआ है, सब बिलाए घुस के पैसे गा के तब देखे कि टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है। तब बगल से बुलाए संजीव को, उसको पुलिस आई थी कुछ पूछी भी नहीं। अभी मेरा मोबाइल नंबर भी उठा के ले गया है, मोबाइल नंबर भी ट्रैक करेगा तो पता चल जाएगा, मोबाइल भी मेरा उठा के ले गया है, मेरा नंबर तक मोबाइल का नहीं पूछा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, हम सेवा निवृत्त संयुक्त मत्स्य निदेशक पशु मत्स्य विभाग से रिटायर्ड है।